Hello friends, good morning. This is Dr. Bakul Dev and you are watching Unacademy Studios Placebo, your one-stop solution for NEET. NEET ka preparation agar aap kar rahe hain, to is channel ko aapko subscribe kar lena chahiye at the earliest, kyunki is channel par hum sabhi log, yani ki team Placebo, daily aapke liye 10 to 12 hours ke live sessions le rahe hain. और ये जो लाइव सेशंस हैं इनमें हम आपके पूरे सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं पूरे वेरीफाइड और प्रिसाइज्ड कंटेंट के साथ वो कंटेंट जिसके बाद आपको और किसी भी एडिशनल कंटेंट की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी तो बच्चों जल्दी से अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो को सब्सक्राइब करो टीम प्लेसेबो के साथ जुड़े रहो जो गाइडलाइंस यहां से आपको दी जाती हैं उनको फॉलो करो और इस टीम से जुड़े रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि आप जल्दी से ये टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल करने के बाद ये यूआरएल में टाइप करें t.me/neetplacebo और फिर उसके बाद में ज्वाइन पर क्लिक कर दें यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इस ग्रुप में इस वक्त 5000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और इस टेलीग्राम एप्लीकेशन पर हम पीरियोडिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कॉन्टिन्यूसली कोई भी लिंक जो पुराना हो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है कोई भी सेशन जो अपकमिंग आने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं कुछ पोल हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन पोल्स के थ्रू आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो हम सब लोगों तक पहुँचते रहते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जल्दी से इस टेलीग्राम को एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लो तीसरा डू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी प्लस बहुत ही अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन फी में अपने घर बैठकर नीट को क्रैक करने के लिए जो बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म है दैट इज अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी प्लस आपको कई तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो फैसिलिटीज यहां पर आपको मिलती हैं वो अनमैच्ड हैं किसी भी और ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कंपेरिजन में यहां आपको बहुत सिग्निफिकेंट फैसिलिटीज मिलती हैं सबसे पहला यहाँ आपको 45 टॉप एजुकेटर्स का एक पूल मिलता है जो डेली आपके लिए 30 आवर्स की लाइव क्लासेस लेते हैं 30 आवर्स से भी ज़्यादा की ये क्लासेस डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में होती हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इनमें होता है और इस बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के साथ इमीडिएटली कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना क्वेरी रेज करते हैं जो क्वेरी आप रेज करते हैं उस क्वेरी को हम इमीडिएटली सॉल्व करते हैं रिजॉल्व करते हैं फिर भी अगर कोई डाउट आपका बच जाता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन यहां पर चलते हैं एवरी फोर्थ क्लास ऑन अनअकैडमी प्लस इज डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन एक बार आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर होता है ये क्वेश्चन लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट का जो पैटर्न है लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो ये बहुत 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 बेनिफिशियल है कहने का मतलब ये है कि आप अपने लर्निंग के मैकेनिज्म को पर्सनलाइज कर सकते हैं आप अपने फेवरेट एजुकेटर को आप अपने फेवरेट टाइम स्लॉट को आप अपने फेवरेट टॉपिक को पिक कर सकते हैं और अपने घर बैठकर आसानी से बहुत आसानी से आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बच्चों अनअकैडमी प्लस ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 45 टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया हु आर टेकिंग कंटिन्यूअसली क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू डेली फॉर 30 प्लस आवर्स दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज फॉर ड्रॉपर्स फॉर क्लास 12th फॉर क्लास 11th मॉक टेस्ट दीज आर द इंडिविजुअल कोर्सेज सर्टेन बैच कोर्सेज आर ऑल्सो इन ऑपरेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्ग टर्म कोर्सेज बोथ टाइप ऑफ कोर्सेज आर देयर एवरी कोर्स इज एसोसिएटेड विद वीकली एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स ए मेगा क्विज So plenty of opportunities are there, plenty of questions are there and dedicated doubt removal sessions are there. And moreover, immediately after completion of a particular session, you can download the notes of that particular session in PDF form. तो PDF format में जो notes आप download कर लेंगे वो आपके काम आएंगे आगे तो बच्चों जल्दी से प्लस को सब्सक्राइब करो करना आपको बस ये है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद प्लस के लिंक पर जाइए प्लस के लिंक पर जाने के बाद सब्सक्रिप्शन मोड पर जाइए और फिर अगर आप 12th में हैं या आप रिपीट कर रहे हैं तो सीधे एक साल का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लें और इसका सब्सक्रिप्शन फी है बच्चों 30,000 रुपीज़ आपने अगर ये रेफरल कोड काम में लिया BD लाइव इट विल कम डाउन टू 27,000 ये 27,000 पर आ जाएगा और
अगर आप 11th में हैं तो आपको सीधे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करना चाहिए, जो सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन है। इसका फी है 48,000 विच ट्रांसलेट्स इनटू 2,000 रुपीज पर मंथ, एंड इफ यू यूज दिस रेफरल कोड बीडी लाइव इट विल कम डाउन टू 43,200। तो बच्चों जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब करो, जल्दी से अनअकैडमी प्लस पर आओ सारे के सारे। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, अब आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, इट इज अ स्मॉल टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये डिसऑर्डर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको ECG समझाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको समझ में तब आएगा जब ये डिसऑर्डर्स आपको थोड़ा सा क्लियर हो सारे के सारे, ठीक है ना। तो 7-8 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, उन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। फर्स्ट, बहुत से बच्चों को एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कंफ्यूजन होता है, तो आज इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ लें जिससे कि आपका कंफ्यूजन का एलिमेंट खत्म हो। देखिए, मैं सबसे पहले आपके लिए एक ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहा हूं ब्लड वेसल का, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में होगा क्या, ये आपको वॉल दिखाई दे रहा है, या मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करूं, जस्ट अ मिनट। तीनों ही लेयर मैं इसमें ड्रॉ किए देता हूं। यह है आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, यह है ट्यूनिका मीडिया, और यह है ट्यूनिका इंटरना। यह ब्लड वेसल का ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, तीन लेयर हो गए। अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ल्यूमन, ब्लड वेसल का ल्यूमन आपको अंदर से दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले क्या होता है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब होता क्या है इसमें, हैव अ लुक। सबसे पहले एंडोथीलियम जो आपको दिखाई दे रहा है यहां, ये एंडोथीलियम डैमेज होता है, या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी भी और रीजन से। इनिशियल रिस्पॉन्स जो आता है वो ये, दैट देयर इज डैमेज इन द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में डैमेज के बाद यहां कुछ कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रोल जिसे हम कहते हैं। ये जो वॉल डैमेज हुआ ब्लड वेसल का अंदर से, यहां आपका कोलेस्ट्रोल डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये जो कोलेस्ट्रोल डिपोजिशन यहां स्टार्ट हुआ है, इस कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट को हम कहते हैं एथेरोमेटिक प्लेक। आ गई बात समझ में। अब जैसे ही ये एथेरोमेटिक प्लेक यहां डिपॉजिट हुआ, यहां कुछ प्लेटलेट्स आकर के चिपकेंगे, और जब प्लेटलेट्स टूटेंगे तो प्लेटलेट से एक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको हम कहेंगे PDGF, दैट इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। आई रिपीट अगेन, पहले एथेरोमेटिक प्लेक बना, फिर यहां प्लेटलेट्स आकर के चिपके, प्लेटलेट्स जब चिपके और टूटे तो प्लेटलेट से एक सब्सटेंस रिलीज हुआ जिसको हमने कहा PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। और इस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की वजह से ये जो ट्यूनिका मीडिया है, इसके जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये ग्रो करके ल्यूमन की तरफ आने लगे, लाइक दिस। ये स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये ल्यूमन की तरफ आने लगे, और जितने फाइबर ल्यूमन की तरफ आएंगे उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में इन पर कोलेस्ट्रोल और भी डिपॉजिट होता जाएगा।
तो कहने का मतलब ये एथेरोमेटिक प्लेक जो है ये ग्रो करने लग गया, साइज इसकी बढ़ने लग गई। जैसे जैसे इस प्लेक की साइज बढ़ेगी ये ल्यूमन नैरो होता जाएगा, और जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो इसके आगे जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर को ये ब्लड सप्लाई कर रहा था वहां पर ब्लड फ्लो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, और ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से वहां पर डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अब मैं इसको यहां आपके लिए मेंशन कर देता हूं, लिख देता हूं क्या क्या चीजें इसमें हुई। फर्स्ट, डैमेज इन एंडोथीलियम। सेकेंड, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रोल इन द वॉल। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमेटिक प्लेक, ये जो प्लेक दिखाई दे रहा है ये बना। देन ग्रोथ ऑफ एथेरोमेटिक प्लेक, देन नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, ल्यूमन धीरे धीरे नैरो होता जाएगा। अब बच्चों ये कंडीशन अगर कोरोनरी आर्टरी में डेवलप हो जाए, सपोज दिस कंडीशन ओरिजिनेट्स इन कोरोनरी आर्टरी, इट माइट लीड टू हार्ट अटैक, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी कहां ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट की वॉल को। इफ इट अकर्स इन कोरोनरी आर्टरी, इट माइट लीड टू हार्ट अटैक। तो ये पहला डिसऑर्डर हुआ आपका इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद में दूसरा डिसऑर्डर इससे मिलता जुलता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में आप देखो, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यहां पर भी मैं आपके लिए ये वॉल बनाता हूं, ये ट्यूनिका इंटरना। अब इसमें भी इनिशियली तो एंडोथीलियम में ही डैमेज होगा, मैं लेबल करूं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इनिशियल प्रोसेस वही हुआ, एंडोथीलियम में डैमेज हुआ, लेकिन यहां प्लेक के जैसी कोई चीज नहीं बनती, यहां ल्यूमन भी नैरो नहीं होता। एग्जैक्टली जो एंडोथीलियल डैमेज हुआ वहां से सॉल्ट आकर के और कोलेस्ट्रोल आकर के इसकी वॉल में डिपॉजिट होने लगते हैं, और इनके डिपोजिशन की वजह से ये वॉल जो है इसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, इसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। आ गई बात समझ में? और जब स्टिफनेस बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा ब्लड प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाएगा। आई रिपीट, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में क्या हुआ? फर्स्ट, डैमेज इन एंडोथीलियम, डिपोजिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल में कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट होने की वजह से क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, एंड बिकॉज द इलास्टिसिटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट cannot tolerate high blood pressure। और फिर से वही बात आई कि अगर ये कंडीशन हमारे कोरोनरी आर्टरी में डेवलप हो गया, इट माइट लीड टू हार्ट अटैक। इफ
this condition appears in coronary artery, it may lead to heart attack. तो अब मेरे ख्याल से आपको arteriosclerosis और atherosclerosis दोनों में difference अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से देख लो, I am repeating it again. Atherosclerosis वो disorder है जिसमें blood vessel की lumen में endothelial damage हुआ, फिर वहां cholesterol deposit हुआ. कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने कहा एथेरोमेटिक प्लेक. इस प्लेक के ऊपर प्लेटलेट्स आकर के चिपके, टूटे और उन्होंने रिलीज किया पीडीजीएफ, दैट इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. और जब ये पीडीजीएफ रिलीज हुआ तो इसके इन्फ्लुएंस में जो स्मूथ मसल फाइबर्स थे वो ग्रो करके ल्यूमन में आ गए. जितने स्मूथ मसल फाइबर्स ग्रो करके ल्यूमन में आएंगे उतना ही उन पर और ज्यादा कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हुआ. जितना और कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हुआ उतना ही इस प्लेक का साइज बढ़ता गया. जैसे जैसे प्लेक का साइज बढ़ा ल्यूमन कैसा हो गया बच्चों, नैरो. और जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो जो कंसर्न्ड ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है वहां ब्लड सप्लाई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी. अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई हमारे कोरोनरी आर्टरी में, इट माइट लीड टू हार्ट अटैक. आ गई बात समझ में? ये तो एथेरोस्क्लेरोसिस और arteriosclerosis. इनिशियल चीज वही है, देयर इज डैमेज इन एंडोथेलियम बट देयर इज नो एथेरोमेटिक प्लेक एज सच. प्लेक के जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना, कोलेस्ट्रोल और बाकी जो सॉल्ट है वो इसकी वॉल के अंदर जाके डिपॉजिट होने लग गए जिससे कि इसका वॉल स्टिफ हो गया. इसके वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई और जब फ्लेक्सिबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई तो ये हाई ब्लड प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा ये ब्लड वेसल. Again, if this condition develops in coronary artery, it might lead to heart attack. So I hope now there is no confusion. दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. आगे चलते हैं तीसरे डिसऑर्डर पर. तीसरा है आपका इश्चीमिया. यह भी एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है. पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं. एक टर्म है बच्चों परफ्यूजन. इसका मीनिंग समझ लें पहले. परफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ए पर्टिकुलर ऑर्गन और स्ट्रक्चर. मतलब किसी भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर से होके जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम परफ्यूजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी तरह से जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर ब्लड जो हार्ट से बाहर निकलता है एक मिनट में, उसका 25% यानी कि 1250 ml ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है? किडनीज में. तो किडनी का परफ्यूजन क्या है? 1.25 लीटर ब्लड पर मिनट. इतना ब्लड उससे होकर के एक मिनट में फ्लो कर रहा है. दैट इज अ परफ्यूजन. मीनिंग ऑफ परफ्यूजन, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ए पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर, दैट इज परफ्यूजन. अब इश्चीमिया, अब आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्रीज्ड परफ्यूजन ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट. कहने का मतलब यह हो गया कि हार्ट की वॉल को, हार्ट की वॉल में बेसिकली क्या है? मायोकार्डियम. वॉल ऑफ द हार्ट जब हम लिखते हैं तो मैं साथ में लिख दूं मायोकार्डियम, क्योंकि हार्ट की वॉल में तीन चीजें होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एपी और एंडो तो एपिथीलियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. मायोकार्डियम आपका थिकेस्ट है और यही वो स्ट्रक्चर है जहां ब्लड सप्लाई भी होता है. एपिथेलियम में तो ब्लड सप्लाई होता ही नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं. सो डिक्रीज्ड परफ्यूजन ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट, दैट इज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम से ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस हो जाए बाय एनी मींस, उसका रीजन एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है कि भाई कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन गया. तो कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन गया तो जो मायोकार्डियम में ब्लड जा रहा है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, दैट इज इश्चीमिया. आ गई बात समझ में? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी उसका रीजन हो सकता है और बहुत से रीजन हो सकते हैं. हमारा
ब्लड प्रेशर ही डाउन हो जाए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाए, व्हाट एवर द कंडीशन इज, किसी भी रीजन से अगर मायोकार्डियम को प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड न मिले, देन दिस कंडीशन इज नोन एज इश्कीमिया। ठीक है जी, चलो अगले पर चलें। नेक्स्ट डिसऑर्डर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब ये इसके आगे की स्टेट है। पहला स्टेज तो ये है इश्कीमिया, जिसका मतलब हमने क्या पढ़ा, डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियम। अब आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अगर मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगी, याद रहिए, सुनिए ठीक से, इफ ब्लड सप्लाई इज नॉट इन प्रॉपर क्वांटिटी इन मायोकार्डियम, व्हाट विल हैपन, मायोकार्डियम में डैमेज होने लगेगा, लोकलाइज्ड डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मायोकार्डियम को न तो ऑक्सीजन मिलेगा प्रॉपर क्वांटिटी में और न ही प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो इस वजह से मायोकार्डियम में लोकलाइज्ड डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये इश्कीमिया के बाद की सिचुएशन आ गई। लोकलाइज्ड डैमेज इन मायोकार्डियम ड्यू टू significantly reduced blood supply in it। तो पहली स्टेज है आपकी इश्कीमिया जिसमें परफ्यूजन कम हुआ, या पहली स्टेज कह लो आप है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें प्लेक बन गया। प्लेक बनने के बाद दूसरी स्टेज क्या आ गई आपकी, इश्कीमिया, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। फिर तीसरी स्टेज क्या आ गई आपकी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अब लोकलाइज्ड डैमेज होना स्टार्ट हो गया मायोकार्डियम में। ठीक है जी, अब आगे वाली स्टेज क्या आएगी, ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेज आई हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर से कई बार आपके दिमाग में यह आता है कि जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो उसको हार्ट फेलियर कह देते हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। हार्ट फेलियर का मीनिंग क्या है, सब सीक्वेंस में चल रहा है। देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, इश्कीमिया हुआ, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया। ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया तो मायोकार्डियम में लोकलाइज्ड डैमेज हो गया। मायोकार्डियम में जब लोकलाइज्ड डैमेज हो गया तो अब हार्ट उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा जितना पहले करता था। जब हार्ट से प्रॉपर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जनरेट नहीं हो रहा तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में ब्लड बाहर नहीं निकल रहा। जब ब्लड बाहर नहीं निकल रहा सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, तो बॉडी के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, हार्ट फेल्स टू सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेल्स टू सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। और ये क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुआ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सिचुएशन इस वजह से डेवलप हुआ क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है सब, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, फिर उसके बाद इश्कीमिया हुआ, फिर उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ। इन्फार्क्शन होने की वजह से हार्ट की एफिशिएंसी कम हो गई तो हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट फेल्स टू सप्लाई ऑप्टिमम क्वांटिटी और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। अब यह कंडीशन लंबे वक्त तक चलती रही, बॉडी को जितनी ऑक्सीजन जितने न्यूट्रिएंट चाहिए उतने हार्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा। जब हार्ट उतने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पा रहा तो हार्ट पर बर्डन बढ़ता जाएगा। बर्डन बढ़ता जाएगा तो हार्ट को और तेज स्टिमुलस आएगा ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलस आएगा कि भाई हार्ट रेट बढ़ाओ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाओ, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रही। लेकिन वो कैसे बढ़ाए क्योंकि उसकी तो वॉल में डैमेज हो चुका है, लेकिन स्टिमुलस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो स्टिमुलस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, हार्ट पर वर्क प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट पर बर्डन बढ़ गया है, हार्ट पर
जो स्टिमुलस आ रहे हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन हार्ट की वॉल डैमेज्ड है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई तो डैमेज और ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगली स्टेज क्या आएगी इसके बाद में, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक के केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर तो चल ही रहा था, लेकिन हार्ट फेलियर चलते चलते अचानक से ये हुआ, वर्क प्रेशर हार्ट का बढ़ता गया, बर्डन उस पर बढ़ता गया, तो एक पॉइंट पर जाकर हार्ट के मसल्स की लोकलाइज्ड डेथ हो जाएगी, किसी एक जगह पे मसल डेड हो जाएंगे, वो मसल सेल ही डाई हो जाए, मर जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे उसके बाद में। और इस वजह से कई सारे सिम्टम्स एक साथ अपीयर होंगे, जैसे सीवियर चेस्ट पेन होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आ रही है कि नहीं बात समझ में? कई तरीके के सिम्टम एक साथ अपीयर होंगे, दिस कंडीशन इज नोन एज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के केस में क्या हुआ, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। अब सारे के सारे मसल्स की डेथ हो गई ऐसा नहीं है, जिस जगह ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा था वो एक पॉइंट पर जाकर कॉलेप्स कर जाएंगे। और जब डेथ ऑफ हार्ट मसल्स होगा तो एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे, फॉर एग्जाम्पल सीवियर चेस्ट पेन, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना आएगा बहुत ज्यादा, डिस्टर्ब्ड ब्लड प्रेशर, डिस्टर्ब्ड हार्ट रेट, अनकॉन्शियसनेस, कोमा की स्टेट भी आ सकती है, ठीक है, डिजीनेस, कंफ्यूजन एटसेट्रा। कहने का मतलब बहुत सारे सिम्टम कलेक्टिवली एक साथ अपीयर होंगे, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। तो ये पूरा सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। पहला स्टेज है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें डैमेज हुआ, जिसमें ब्लॉक हुआ, ल्यूमन नैरो हुआ, फिर इश्चीमिया हुआ, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, फिर मायोकार्डियम में डैमेज हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, फिर हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट फेलियर चलता रहा लंबे वक्त तक, फिर अचानक से क्या हुआ एक दिन, हार्ट अटैक, जबकि डेथ हो गया मसल्स का सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, मायोकार्डियम में मसल्स डेड हो गए, दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको सीक्वेंस में समझ में आ रही होंगी और कोई भी कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों कार्डियक अरेस्ट। ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में ये डिफरेंस समझो। हार्ट फेलियर में हार्ट काम करता रहेगा, प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा, बट स्टिल इट इज फंक्शनिंग। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। सो कंप्लीट स्टॉपेज of activity of heart, हार्ट ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया, that will lead to death, ठीक है जी। अब एक और condition इसमें बच गई है important, that is heart block। इसको लेकर भी कुछ confusion आप लोगों के दिमाग में रहता है, blockage, जैसे मैंने पहले भी बताया था, heart block का मतलब कुछ बच्चे मान के चलते हैं कि blood vessels में blockage आ गया है, blood vessels में blockage आ गया है तो blood properly flow नहीं कर पा रहा है, या कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्लड प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं जा पा रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हार्ट ब्लॉक का मीनिंग क्या है देखो, ये हमने आपको बताया था कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का, यहां पर आपका SAN होता है, यहां AVN होता है, AVN से ये बंडल निकलता है, बंडल ऑफ इज, आगे जाकर ये दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये परकिंजे फाइबर्स बन जाते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम। आप
आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें, SAN, AVN, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। तो हार्ट ब्लॉकेज का मतलब क्या है? हार्ट ब्लॉकेज का मतलब है कंडक्शन जो वेव है, कॉन्ट्रेक्शन का जो सिग्नल यहां से SAN से स्टार्ट होगा, SAN से AVN पर जाएगा, AVN से बंडल में जाएगा, बंडल से परकिंजे में, तो ये वेव ब्लॉक हो गया है। देयर इज ब्लॉकेज इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्स। कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम ईदर SAN टू AVN और AVN टू बंडल और बंडल टू परकिंजे फाइबर्स इज ब्लॉक्ड। दिस कंडीशन इज नोन एज हार्ट ब्लॉक। SAN से AVN पे नहीं जा पा रहा इंपल्स, AVN से बंडल ऑफ हिस पर नहीं जा पा रहा, बंडल ऑफ हिस से कहां नहीं जा पा रहा, परकिंजे फाइबर्स पर, दैट इज नोन एज हार्ट ब्लॉक। तो अब मेरे ख्याल से इन सारे के सारे डिसऑर्डर्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए जल्दी से, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लीजिए इनको, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इश्चीमिया जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब लोकलाइज डैमेज होगा, हार्ट फेलियर जब हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, हार्ट अटैक ये इससे आगे की सिचुएशन जिसमें डेथ हो गई है मसल्स की, कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट काम करना बंद कर देगा, और हार्ट ब्लॉक जबकि इंपल्स ट्रेवल नहीं करेगा इधर फ्रॉम SAN टू AVN, AVN टू बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस टू परकिंजे फाइबर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हुए बच्चों। आज का सेशन हमारा इतना ही है, छोटा सा, इसको अब हम कंक्लूड करते हैं। जाने से पहले हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और इसके आखिर में एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसे जरूर फिल कीजिए जिससे आपके वैल्यूएबल सजेशन हम सब लोगों तक पहुंचे। ठीक है, कल हम मुलाकात करते हैं, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। गुड बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।